हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर और ये चैनल पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। इसमें आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर जो कि रोज़ की तरह पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज है 16 दिसंबर, हम पढ़ेंगे 15 दिसंबर की डेली करंट अफेयर, ठीक है। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी ने एक परियोजना स्टार्ट की आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में एकमात्र परियोजना स्टार्ट की। इस परियोजना का नाम क्या है? ये परियोजना ईगन सेल पर आधारित है। किस पे? ईगन सेल पर आधारित है। इस परियोजना का मतलब क्या है? ये ईगन सेल पर आधारित है। इस परियोजना का मतलब है ग्रीन हाइड्रोजन। क्या? ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो 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 ग्रेड एनटीपीसी द्वारा आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में ईगन सेल पर आधारित ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रेड को प्रदान करना है, ठीक है। इस परियोजना का ये और उद्देश्य है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रेड को प्रदान करना या उत्पादित करना। इस परियोजना में यह भारत की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडार परियोजना है। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन का ऊर्जा भंडार परियोजना है, ठीक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, ठीक है। और यह फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट में ये क्या करेगा? प्रोजेक्ट में इनपुट पावर लेकर उन्नत 240 वोल्ट, ठीक है, 240 केवी वोल्ट सोल्डर ऑक्साइड सॉल्ट ऑक्साइड, ठीक है। ये कि सॉल्ट ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह फिल्टरिंग यह इसमें क्या क्रिया होगी? फिल्टरिंग सोलर प्रोजेक्ट से यह इनपुट पावर को उन्नत 240 केवी वोल्ट में सोल्डर ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके यह हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, ठीक है। और यह एनटीपीसी की परियोजना है और यह आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री पर आधारित है। इसमें यह दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है।
इसके बाद नासा ने इतिहास में नासा द्वारा एक पहली बार एक ऐसा प्रोजेक्ट किसी अंतरिक्ष यान को इन्होंने किसी अंतरिक्ष यान को किसको एक अंतरिक्ष यान को इन्होंने क्या किया, इन्होंने सूरज के कोरोना किसके सूर्य के कोरोना को छुआ है। ठीक है, किसने नासा द्वारा इतिहास में एक एक से अंतरिक्ष यान द्वारा सूर्य के कोरोना को छुआ है। ठीक है, यह यहाँ लगभग कितना तापमान होता, यहाँ का तापमान 2 मिलियन 2 मिलियन फारेनहाइट, यहाँ का तापमान 2 मिलियन फारेनहाइट होता है का एक अधिकतम वातावरण है, मतलब कि ये पूरा अधिकतम वातावरण है जिसका तापमान 2 मिलियन फारेनहाइट होता है। ठीक है, और यह इसका नाम क्या था, पार्कर नामक, इसका पार्कर नामक इसका नाम पार्कर सोलर प्रोब नामक एक रॉबर्ट शिप है। कौन सी शिप है, एक रॉबर्ट शिप है जिसने 28 अप्रैल को कितनी 28 अप्रैल को सूरज के ऊपरी वायुमंडल कोरोना में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। कब किया था, 28 अप्रैल 2021 को इसके सूरज के ऊपरी वातावरण में इन्होंने घुसी थी। ये कब घुसा था, सिर्फ पार्कर सोलर प्रो जो कि एक रोबोटिक शिप है, ये 28 अप्रैल 2021 को सूरज के ऊपरी वातावरण के ऊपरी वायुमंडल के कोरोना में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। और ठीक है, और उसने 15 दिसंबर 2021 को सूरज के कोरोना को छुआ जहाँ का तापमान 2 मिलियन फारेनहाइट होता है। ठीक है, यह सूरज की सतह इसने क्या किया, सूर्य की सतह पर स्थित कणों व चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना लिया, ठीक है, किसने, पार्कर सोलर प्रोब नामक रोबोटिक शिप ने इसका स्थित कणों और चुंबकीय क्षेत्र का नमूना लिया। ठीक है, व्हाट्सएप ने एक क्या किया, व्हाट्सएप ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के व्हाट्सएप ने कर्नाटक व महाराष्ट्र इन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांवों को क्या किया, इन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांवों में एक प्रयोगित कार्यक्रम को शुरू किया। ठीक है, एक प्रयोगित कार्यक्रम को शुरू किया, इस कार्यक्रम में इन्होंने डिजिटल भुगतान करने के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करने के लिए इस चीज़ को बढ़ावा दिया, किसको, डिजिटल भुगतान करने के लिए, डिजिटल पेमेंट करने के लिए व्हाट्सएप ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांवों में इन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की, मतलब एक प्रोग्राम किया। ठीक है, इस डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए, और इस डिजिटल पेमेंट को इन्होंने डिजिटल पेमेंट उत्साह के नाम से कार्यक्रम किया। ठीक है, और यह 15 अक्टूबर को कर्नाटक के यह 15 तारीख को यह 15 दिसंबर को कर्नाटक के कायतन
कर्नाटक के कायतन हल्ली गांव से शुरू किया गया, ठीक है, 15 ये शुरू किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इनके द्वारा क्या किया, इनने 14 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ भवन में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, ठीक है। क्या किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा डीआरडीओ के लिए डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सशक्ति बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को डीआरडीओ विकसित ये 5 उत्पादों सौंपे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ भवन में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में स्थित है, इन्होंने क्या, राजनाथ मंत्रालय ने डीआरडीओ के 5 उत्पादित उत्पादों को किसको, सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा, किसको, अन्य सुरक्षा अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा, सशस्त्र बल व अन्य सुरक्षा एजेंसियों को डीआरडीओ के 5 उत्पादों को सौंपा। किसके द्वारा सौंपा गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सेना के अध्यक्ष जनरल एम नरवाड़े के मॉड्यूलियर ब्रिज भी सौंपा। किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा ये ब्रिज भी सौंपा गया, ठीक है। और अभी एक और वो हुआ है, महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट, इनको क्या किया गया, इनको एक मेडल प्रदान किया गया, कौन सा मेडल है, जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड सौंपा गया, ठीक है। इसी के साथ और नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर, इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड सौंपा गया। और चीनू जो कि भारोत्तर, मीराबाई चीनू इनको कौन सा किया गया, स्पोर्ट्स वूमेन
ऑफ द ईयर किसको? सुनील गावस्कर को, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और मीरा चीनूबाई स्पोर्ट वूमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। और पुरुष टीम को अब बाहर दी है पुरुष टीम, ठीक है, मतलब ये अवार्ड को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति राजनाथ सिंह कोविंद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा 15 से 17 दिसंबर को, इन्होंने क्या 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश के दौरे पे थे, किसके? बांग्लादेश के दौरे पे, बांग्लादेश के दौरा, यह 2 दिवसीय दौरे पर गए, 15 से 17 दिसंबर के 2 दिवसीय दौरे पे गए। इन्होंने क्या किया वहाँ पे? इन्होंने यह यात्रा ढाका के 85वीं विजय दशमी, यह ढाका की 85वीं विजय दशमी, 85वीं विजय दशमी, विजय दशमी विजय दिवस है सॉरी विजय दिवस समारोह के रूप में मनाया गया। इसी दिन 16 दिसंबर आज के दिन 16 दिसंबर 1971 में यहाँ पे क्या हुआ था? पाकिस्तान पर जीत और भारत और बांग्लादेश की संयुक्त सेना के सामने उनके आत्मसमर्पण को आयोजित किया जाता है। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की सेना पर जीत और बांग्लादेश की सेना ने भारत के सामने संयुक्त रूप से आत्मसमर्पण पर किया था, मतलब भारत और बांग्लादेश की सेना ने संयुक्त रूप से एक दूसरे की सेना के सामने आत्मसमर्पण पर किया था और भारत ने पाकिस्तान पर जीत प्राप्त की थी। इसी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया जिसका नाम विजय दशमी के रूप में मनाया जाएगा, विजय दिवस समारोह के रूप में मनाया गया। ठीक है, आज 15 दिसंबर है, 14 दिसंबर 2021 को लद्दाख, लेह और लद्दाख में, लद्दाख ने अपनी राजधानी लेह में, लद्दाख ने अपनी राजधानी लेह में एक एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना की। इस रेडियो स्टेशन में इन्होंने क्या किया? इस रेडियो स्टेशन की 50 किलोमीटर तक रेंज है, 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 91.9 FM FM फ्रिक्वेंसी पे रहेगी, ठीक है। और यह अभी तक का पहला रेडियो स्टेशन है जो कि भारत का, अभी तक का लद्दाख का जो पहला रेडियो स्टेशन है जो कि लेह में स्थापित किया गया, FM रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। और यह पहला टॉप FM रेडियो लॉन्च है, ठीक है, मतलब अभी तक इतनी ऊंचाई पे किसी ने रेडियो लॉन्च नहीं किया। पंद्रह दिसंबर 2021 को वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई, ठीक है। 15 दिसंबर 2021 को वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई, ठीक है। इस जयंती में इन्हें पुण्यतिथि मनाई गई, कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई, ठीक है। और इन्हें 1950 में इनका निधन हुआ था, कब हुआ था? 1950 में इनका निधन हुआ था और यह लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, क्या? लौह पुरुष के रूप में। इनका कब निधन हुआ था? 1950 में निधन हुआ था और लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने
लव पुरुष, इन्होंने पूरी रियासतों को एक किया था। ठीक है,